लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पर सीआरपीसी को। कल हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था चैप्टर 29 यानी कि अपील से रिलेटेड अपीलों के बारे में पढ़ा हुआ था, आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जो सेक्शन आपने 385 तक कंप्लीट कर लिए थे उसके बाद आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, सीधे मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पर लेके चल रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। हम लोगों ने कल तक जो पढ़ लिया है चैप्टर 29 के जो अपीलों से रिलेटेड है इसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपने 372 में पढ़ा हुआ था, छोटा सा हम जल्दी से रिवाइज करेंगे इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो अपील का ना होना, सेक्शन 372 में आपने पढ़ा। सेक्शन 373 में देखिए, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 374 में दो सिद्धि से अपील की बात की गई थी। सेक्शन 375 में कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करे अपील ना होना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 376 की, छोटे मामलों में अपील ना होना, इससे रिलेटेड था। सेक्शन 377 में हमने पढ़ा राज्य सरकार द्वारा दंडाधीश के विरुद्ध अपील। सेक्शन 378 में आपने पढ़ा दोष मुक्ति के आदेश में अपील से संबंधित था, ये दोष मुक्ति के आदेश में अपील। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 379 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 300 में कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। सेक्शन 381 में सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। सेक्शन 382 में अपील की अर्जी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 383 में जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। सेक्शन 384 में अपील का संक्षिप्ता खारिज किया जाना, सेक्शन 384। सेक्शन 385 में संक्षिप्ता खारिज ना की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया, ये सेक्शन 385 तक आप लोग सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्शन 386 को, यानी कि जो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में आप करें। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को फिर से। तो एक बार सभी लोग आप कंफर्म कर दीजिए, वॉइस क्लियर है, सब कुछ ठीक सभी को दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ओके गाइस, हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 387 पर जरा ध्यान दीजिए, अपील न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं पावर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे, तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे धारा 377 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है। अथवा जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं ये, ऐसे अभिलेख में परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है। देखिए जहाँ पर कोई केस जो अपील की गई है उसके परिचालन में उसके आगे सुनवाई की ड्यूरेशन में यदि अपीलार्थी हो या फिर उसका प्लीडर वहाँ पर उपस्थित हो हाजिर हो तो उसे, तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे धारा 377 या 378 के अधीन अपील की दिशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, अगर उसे लगता है कि अपील के जो निर्णय है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वो अपील को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पे कौन कौन लोगों के किन किन लोगों के बारे में बात की गई है एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, या तो अपीलार्थी वहाँ पर प्रेजेंट हो या उसका कोई प्लीडर हाजिर हो, ठीक, या कोई लोक अभियोजक हाजिर हो, उसे कौन कौन सी धाराओं के अकॉर्डिंग, धारा 377 या 378 के अधीन अपील की दिशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात जो अपील न्यायालय है उस दशा में
क्या कर सकता है। अगर उसे लग रहा है कि हस्तक्षेप करने के लिए, अपील सुनने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो अपील को क्या कर देगा, खारिज कर सकता है। अथवा अगला देखिए, का नंबर के जैसा पॉइंट पर, जो का नंबर का पॉइंट है उस पर हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोष मुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए, अथवा अभियुक्त यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। तो काम यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर अपील खारिज नहीं करता है उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तभी अपने माइक को आप ऑन कीजिए, अन्यथा की दशा में आप अपने माइक को ऑफ करके रखिए, है ना, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे ऐसा लगता है ना आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। चलिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग आगे। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई दोष मुक्ति का आदेश हो और उसकी अपील आए उस कंडीशन में, तो ऐसे आदेश को जो अपीलीय न्यायालय है वो क्या कर सकता है, उलट सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है, और आगे क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है कि इसके लिए क्या किया जाए, अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है तो जांच की जाए, अथवा अभियुक्त को यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए, अगर ज़रूरत हो तो उनको पुनः विचार भी किया जा सकता है, या विचारार्थ सुपुर्द भी किया जाए, अथवा अगर दोषी है तो उसे दोषी भी ठहरा सकता है भले ही वो आदेश दोष मुक्ति का हो उस न्यायालय के द्वारा। अगर लग रहा है उसको कि दोषी है तो अपील में उसको दोष सिद्ध भी किया जा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश भी दे सकता है। तो जो विधि में प्रेस्क्राइब है, जो उसका पनिशमेंट, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब खा नंबर पॉइंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, दोष सिद्धि से अपील, यहाँ तो दोष मुक्ति का आदेश था तो हमने यहाँ पढ़ा कि भाई उसको पलट सकता है, अगर जरूरत पड़े तो उसे दोष सिद्ध भी किया जा सकता है। अब जो मूल जजमेंट था, जो पहले कोर्ट ने ही उसको दोष सिद्ध करके भेजा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है, यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष और दंडादेश को वो उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है, जैसा प्रोविजंस हो, अगर उसको लग रहा है कि प्रारंभ में ही कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि अभियुक्त को दोष सिद्ध करती हो, तो वो ऐसे उसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है या उसे उन्मोचित कर सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा उसे पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है। अगर उसे लगता है कि उसके अधीनस्थ कोई और न्यायालय है, उसे वो कह सकता है कि आप इसे दोबारा से विचारण कीजिए और इसे विचारण के लिए उसे सुपुर्द भी किया जा सकता है, तो दोबारा से उसे सुनवाई के लिए भी किया जा सकता है। कौन आदेश दे सकता है, जिसको अपील की गई, अपीलीय कोर्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट पर, दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। अगर उसे लग रहा है, देखिए जो अपील न्यायालय है उसे लग रहा है कि दंडादेश जितना दिया गया था उतना ठीक है, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष में कुछ परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जजमेंट ही उलट दें, अगर उन्हें लग रहा है कि इतना जजमेंट इसके लिए ठीक नहीं है तो उतने जजमेंट को वो बदल सकते हैं और दूसरे जजमेंट में कोई भी परिवर्तन ना करें, ऐसा भी हो सकता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए कई बार बहुत सारे पॉइंटों पर जजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट को लग रहा है, जिसमें आपने अपील किया, किसी भी व्यक्ति अभियुक्त ने यहाँ पर अपील की हुई है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए किसी ने 3 इयर्स का पनिशमेंट दिया गया और प्लस यहाँ पर मान के चलिए कि 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगा दिया गया, ऐसा कुछ भी किया गया फ़ाइन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर अपीलीय कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ जो 3 इयर्स का पनिशमेंट दिया है वो तो एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ फाइन में अगर उसे लग रहा है कि कुछ कम करना चाहिए तो वो यहाँ पर कम कर सकते हैं, बोले ठीक है फ़ाइन आप 5,000 कर सकते हैं, या हो सकता है कि फ़ाइन को हटा दें तो हटा भी सकता है, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या फील हो रहा है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट पर जरा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए जो आप ये पढ़ रहे हैं,
निष्कर्ष में परिवर्तन करके किए गए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसे दंड में वृद्धि हो जाए। देखिए, जो दंड दिया गया है उसमें वृद्धि नहीं करेंगे, कम कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए गए बिना दंड के स्वरूप परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसके दंड में कोई वृद्धि हो जाए। ये एक रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई कि अपील में दंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको कम किया जा सकता है जब दोष सिद्धि की अपील हो तभी। समझ गए, अगर दोष मुक्ति की तरफ से किया गया तो बिल्कुल यहाँ बढ़ाया जा सकता है उसके लिए। अगर यहाँ दोष सिद्धि का किया गया है और उसमें अगर अपील हो जाए तो उसके जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाएंगे नहीं, कम ही करने का कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये, कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 386 का सब क्लोज कौन सा है, खा का पॉइंट 3। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 386 का बी पॉइंट और बी के बाद थर्ड पॉइंट, टू थर्ड, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट आप जो पढ़ रहे थे, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गा नंबर पॉइंट पर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखो गा नंबर पॉइंट में क्या है, दंडादेश में वृद्धि के लिए अपील। यहाँ फर्स्ट में देखिए, निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोष मुक्त या अनुमोचित कर सकता है, या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचार करने का आदेश दे सकता है। जहाँ पर दंडादेश वृद्धि के लिए कोई अपील की गई है कि दंडादेश अपर्याप्त दिया गया है, उस आधार पर या जो सबको जो फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट में, निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोष मुक्त या उन्मोचित भी किया जा सकता है, और ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचार करने को आदेश भी दे सकता है। कौन दे सकता है, जो अपीलीय कोर्ट है वो। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ सेकेंड नंबर पॉइंट पर, दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। जो दंडादेश है उसको कायम रखते हुए उसका जो निष्कर्ष है उसमें भी परिवर्तन कर सकता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था। या थर्ड नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। अगर उसे लगता है कि यहाँ पर वृद्धि या कमी करना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, या तो परिवर्तन करें या किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। अगला नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, घर नंबर पॉइंट में, किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या फिर उसे उलट सकता है। नेक्स्ट देखिएगा इंगा नंबर पॉइंट में, कोई संशोधन या कोई परिणामिक आनुषंगिक आदेश जो न्याय संगत या उचित हो कर सकता है। यहाँ पर कोई अगर ज़रूरत पड़ रही तो उसमें संशोधन भी कर सकता है, परिणामिक या आनुषंगिक कोई आदेश, उससे रिलेटेड कोई आदेश दे सकते हैं जो न्याय संगत या उचित हो, ऐसा कर सकता है कौन, अपीलीय न्यायालय। अगला जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, परंतु दंड में तब तक की वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर ना मिल चुका हो। अगर दंड में वृद्धि की जाती है तो जहाँ पर अपील की गई है दंड में वृद्धि के लिए केवल, ये जरा ध्यान दीजिए घा नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और या फिर आगे देखिए घा और इंगा या कोई भी ऐसे में जिसमें पनिशमेंट में चेंजेस आ सक रहे हैं या फिर उसके पनिशमेंट में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के जो कारण हैं, जो दंड बढ़ने के जो कारण हैं, इसके लिए अभियुक्त को जरूर सुनेंगे, उसके बाद ही उसका पनिशमेंट आगे बढ़ाएंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट परंतु में एक और देखिए, परंतु यह कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उनकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिए, उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध में दिया जा सकता था। तो जितना है उतना ही पनिशमेंट दे सकते हैं, उससे
अधिक नहीं दिया जा सकता। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी सर सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ क्लियर हो गई सभी को? अभी अभी ठीक है? हाँ, अभी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 387 की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। जो अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय के संबंध में यहाँ पर हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 27 में अंतर्विष्ट नियम जहाँ तक साध्य हो सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे। देखिए जरा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अधीनस्थ अपील न्यायालय के जो निर्णय हैं वो आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय जो 27 में अंतर्विष्ट नियम जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ तक साधो सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे। कौन कौन से निर्णय को लागू होंगे? सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त ना तो लाया जाएगा और ना उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे। यहाँ क्या कह रहे हैं, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त ना लाया जाएगा और ना उसे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे। अगर अपील न्यायालय यहाँ पर निर्देश नहीं देता है तो अभियुक्त को लाना आवश्यक नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 388 पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। 388 में क्या दिया हुआ है देखते करते हैं। मुझे देखिए, 388 में अपील उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। देखो, जब कोई अपील में कोई जजमेंट दिया जाता है तो उसको वो प्रमाणित करके निचली अदालत जहाँ से वो अपील हुई थी उस अदालत को वो भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रोविजंस किए गए इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेक्शन 388 का सब क्लोज फर्स्ट। आप जरा देखिए, जब कभी अपील में कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय के अधीन निश्चित किया जाता है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा, तब वह अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा वह निष्कर्ष दंडादेश या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई थी अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था। और यदि ऐसा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट का है, जो मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट का नहीं है किसी दूसरे न्यायालय का है, तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय जिला जो आदेश है ना वो जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो इसको जरा समझिएगा जल्दी से। देखिए, क्या कह रहे हैं, जब कभी अपील में कोई मामला आया कहाँ पर, उच्च न्यायालय, इस अध्याय के अधीन निश्चित किया जाता है, तो अपील में उन्होंने सुनवाई कर ली हाईकोर्ट ने, अब क्या हुआ, तब अपना उसका जो निर्णय है उस निर्णय के आदेश की आदेश को प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा मूल जो जजमेंट दिया गया था। क्या क्या, जैसे वह निष्कर्ष दंडादेश आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई थी, जिस न्यायालय के विरुद्ध अपील की गई थी उसी न्यायालय को वो अपना निर्णय भेज देगा। अब कैसे भेजेगा, अगर वो न्यायिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अगर कोई कोर्ट है तो डायरेक्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही भेज देंगे, और अगर यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में किसको भेजेंगे? तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का नहीं है
उससे किसी अन्य मजिस्ट्रेट का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर JMFC का कोई कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, इससे कोई अपील की गई है हाई कोर्ट को, ठीक। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, अपना जजमेंट दिया और उस जजमेंट को प्रमाणित करके किस कोर्ट को भेजेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो CJM होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, इसको भेज देंगे। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहता है इसके सबॉर्डिनेशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास काम करते हैं, तो जनरली कार्यों का वितरण कौन करता है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो ये न्यायालय था, जैसे मान लीजिए इसने कोई जजमेंट दिया, अब इसके बाद की जो जजमेंट की जो अपील होनी थी वो अपील कहाँ हो गई, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में कहीं अपील हो गई है तो उसकी अपील के जो भी निर्णय यहाँ पर आएगा, चाहे वो किसी भी कोर्ट का हो, बस ये CJM कोर्ट का ना हो, अगर CJM का तो डायरेक्ट CJM में रिसीव कर लेगा, नहीं है तो किसी भी कोर्ट का हो, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो, चाहे वो सेकेंड क्लास का हो, या किसी अन्य न्यायालय का हो, तो इस केस में वो क्या करेंगे यहाँ पर CJM के पास भेजेगा और CJM उस कोर्ट को सेंड कर देगा। अब वहीं पर दूसरी बात क्या की गई, अगर मैटर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का हो, ऐसा न्यायालय जो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोई कोर्ट था उसकी अपील की गई, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो सीधे अपना जो हाई कोर्ट है वो अपना जजमेंट पारित करेगा और यहाँ पर वो सर्टिफाइड करके, यहाँ पर प्रमाणित करके वो क्या करेगा, सीधा यहाँ पर जिला न्यायाधीश को भेज देगा, जिला मजिस्ट्रेट को, ठीक। और जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसको उस कोर्ट को भेज देगा जहाँ से वो जजमेंट पहले पारित किया गया था, जिसको मूल जजमेंट की जिसकी अपील की गई थी, किसको, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा सब क्लोज टू में, तब वह न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके भेजे, ऐसे आदेश करेगा जो उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुरूप हों। तो जिस कोर्ट को, जैसे मान लीजिए उन्होंने CJM को भेजा, तो CJM को उसने हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए होंगे, किसको भेजना है, कब कैसे करना है, तो उसी डायरेक्शन को वो फॉलो करते हुए आगे की कार्रवाई करेगा, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। अगर आवश्यक है या हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोई आदेश दिया कि ये जजमेंट कैसे भेजा जाए, कहाँ पर किया जाए, तो उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं। अब जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 389 की तरफ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 389 में क्या दिया है, अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, जब तक अपील लंबित है, लंबित का मतलब है अपील कर दी गई, दूसरे कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया, तो इसमें जो पनिशमेंट दिया गया था मूल जजमेंट में, जैसे कि हमने देखा था कि कितना पनिशमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, 3 years और 10,000 फाइन की, तो इसको क्या कर देंगे, तब तक के लिए निलंबन कर देंगे जैसे कि ये पारित ही नहीं हुआ, ठीक, जब तक होना। अब यहाँ अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना, और जो अपीलार्थी है वो जमानत पर छोड़ा जा सकता है किसके द्वारा, जो अपीलीय कोर्ट है, ये कोर्ट चाहे तो यहाँ पर इसको जमानत दे सकता है, ये अपीलीय कोर्ट, ठीक। इतनी से मैटर क्लोज समझ में आ गया आपको। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 389 का सब क्लोज ऑफ फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कोई अपील न्यायालय है और ऐसे कारण से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के रहने तक निलंबन किया जाए, और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। देखिए, जब भी किसी मैटर में कोई अपील होती है, तो जब यहाँ अपील की गई, जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया, उसकी अपील हो गई, अब मान लो ये कोर्ट चल केस चलने लगा हाई कोर्ट में, अगर ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट यहाँ क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए यहाँ आदेश दे सकता है कि इसे जमानत पर अगर दी जा सकती है इस केस में, तो इसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, तो जमानत पर छोड़ देंगे। दूसरा, अगर लगता है कि इसे बॉन्ड भरा करके केवल मुचलका पर छोड़ा जा सकता है, तो इसे मुचलका पर भी छोड़ सकते हैं, तो जैसी सुविधा हो उसके अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कोर्ट डायरेक्शन दे या अपीलीय कोर्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, परंतु मैं ये क्या कह रहे हैं,
परंतु मैं यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु अपील न्यायालय ऐसे दोषित व्यक्ति को जो मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अनियमित अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया, कितने के लिए किया गया जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु अपील न्यायालय ऐसे दोषित व्यक्ति को जो दोषित किया गया, कौन व्यक्ति, जो मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अनियमित अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया, या तो वो देखो मृत्यु से किया गया, आजीवन कारावास से, या 10 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से नहीं किया गया बल्कि ज़्यादा से, तो किया गया जमानत पर या उसके अपने बंधपन पर छोड़ने से पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। तो यहाँ पर जो लोक अभियोजक है, लोक अभियोजक को क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो पीड़ित पक्षकार की तरफ से पैरवी कर रहा होता कोर्ट में, तो इनको पहले वो अवसर देगा क्या इसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, अगर यहाँ पर ये रिवोल्ट करते हैं, कुछ आपत्ति दर्ज करते हैं, तो उस आपत्ति पर विचार करके न्यायालय जैसा ठीक उचित समझे वैसा कर सकता है, पर लोक अभियोजक के कहने मात्र से किसी की जमानत नहीं रुकेगी। ठीक, अगर न्यायालय को लगता है कि जमानत को रोक देना चाहिए, उसे लगता है कि नहीं जमानत इसमें मिलनी चाहिए, तो वो जमानत दे सकता है, लेकिन लोक अभियोजक को सुनने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु नेक्स्ट में, परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहाँ किसी दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, वहाँ लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया गया है और लग रहा है कि अभी भग जाएगा, तो यहाँ पर लोक अभियोजक जमानत रद्द करने के लिए अपना आवेदन फाइल कर सकता है। अब आवेदन मानना ना मानना न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज टू में, यहाँ पर देखिए जल्दी से, अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसे अपील मामले में कर सकता है जो किसी दोषित व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है। देखो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं ये, अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति, कोई भी शक्ति मिली है इस धारा के अनुसार, का प्रयोग उच्च न्यायालय किसी भी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है। कोई भी अपील जो की गई है इसमें हाईकोर्ट इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है। अगर देखो हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट के अधीनस्थ कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी कोर्ट हैं इन सब की पावर्स, चाहे वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हो या CJM की हो, अगर हाईकोर्ट को लगता तो इन सब की पावर वो हाईकोर्ट यूज़ कर सकता है। जो पनिशमेंट ये दे सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, वही काम ये हाईकोर्ट भी कर सकता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सबक्लोज नंबर 3 पर एक बार विचार कर लीजिए, जहाँ दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, वहाँ न्यायालय क्या समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, देखिए जा रहे हैं सबक्लोज 3 का फर्स्ट, उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है, या कितने वर्ष के लिए जरा ध्यान देना, 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए दंडाधिष्ट किया गया। दूसरा, उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है, तो क्या करेगा, यह आदेश देगा कि दोष सिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और उपधारा 1 के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाए। कब जमानत पर छोड़ दिया जाए, जब उसे 3 वर्ष से अनधिक यानी कि 3 वर्ष से कम का पनिशमेंट उसे मिला हो उस सिचुएशन में, और ऐसे किसी अपराध में दोष सिद्ध किया गया जिसमें जो जमानती है, तो उसे जमानत पर कितने समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए जिससे उसको अपील करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, जब तक कि जमानत से इनकार करने के विशेष कारण ना हो, और जब तक ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 वर्ष का उसको पनिशमेंट दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि इसे जमानत पर अभी छोड़ा गया है और जमानत से अगर इनकार किया गया है, तो जब तक अपील चलेगी, अपील जैसे शुरू हो जाती है वैसे ये जो दंडादेश दिया गया था ये निलंबित रहेगा, इसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, इसको अभी रोक देंगे कुछ समय के लिए जब तक कि वो अपील का जजमेंट ना आ जाए, या तो जब अपील खारिज हो जाए तो फिर इसे पनिशमेंट की तरफ जाएंगे, या फिर अपील में मान लो यहाँ पर जजमेंट चेंज हो गया तो फिर ये पनिशमेंट यहाँ पर
फिर वो जो पनिशमेंट देगा अपीलीय न्यायालय वो लागू होगा, ना कि ये। हो सकता है कम कर दे तो कम वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर अपील कंटिन्यू नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में फिर उसको ये 3 वर्ष वाला पनिशमेंट दिया जाएगा। अगला देखिए जरा, फोर्थ नंबर पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जब तो गतवा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास या दंडादेश दिया जाता है, ध्यान देना, जब अंततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास, यहाँ पर कोई भी अवधि यहाँ पर कारावास दिया है या आजीवन कारावास दिया जा रहा है, तब वह समय जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है उस अवधि की संगणना में जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, मान लीजिए किसी निचली अदालत ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ही, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या CJM ने कोई आदेश पारित किया हुआ था यहाँ पर, और इसके बाद अपील हो गई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में दे दी, यहाँ जो पनिशमेंट मिला था वो जनवरी 2020 में मान के चलते मिला, 2020 में। अब क्या हुआ, 20 के बाद वो 3 महीने तक जमानत पर छूटा रहा। कब, जैसे ही इसने अपील की जनवरी में, पनिशमेंट इसको जनवरी में मिल गया, जनवरी में इसने अपील कर दी, केस चलता रहा फरवरी मार्च, ठीक, और जा कर के अप्रैल में कोर्ट ने भी इसको कहा कि इसको नहीं उल्टा जा सकता, ये जो जजमेंट है वो जजमेंट ठीक है। अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिला था, अब इसमें से ये जो 3 महीने तक ये जमानत पर छूटा रहा, इस टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि सजा में से माइनस कर दिया जाए, तो वो माइनस नहीं किया जाएगा, उसको आगे कंटिन्यू ऑलरेडी जुड़े नहीं। क्लियर हुआ बात, समझ में आई? हेलो हेलो गाइस, यस सर, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, अभी सेक्शन 390 की तरफ देख लीजिए। दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी, जहाँ पर दोष मुक्ति से अपील की गई है और वहाँ पर क्या उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, दोष मुक्ति में, या दोष सिद्ध नहीं है ये दोष मुक्ति, सेक्शन 390 में। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 390 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, देखो ज़रा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जब धारा 378 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग, तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, जो हाई कोर्ट है वो क्या करता है, वारंट जारी कर देता है, जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है और उसकी जमानत ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला कि अगर किसी को दोष मुक्ति की गई है और फिर उसकी अपील की गई, तो अपील में अगर कोर्ट को लगता है तो उसे तुरंत अरेस्ट भी करा सकता है और चाहे तो उसे जमानत पर भी छोड़ा जा सकता है। चलिए सेक्शन 391 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। जैसे मान लीजिए निचली अदालत यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई केस चल रहा था और इसके बाद इसको अपील किया गया, तो अपील जहाँ पर जिस कोर्ट में भी अपील किया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हाई कोर्ट में अपील की जाती है तो हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर HC मतलब हाई कोर्ट, अगर यहाँ पर अपील की जाती है तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जितने ये जो केस में एविडेंस दिए गए थे इसके अलावा भी कुछ और एविडेंस की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त साक्ष्य के लिए वो आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि जिसके पास भी हो वो पेश करे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग सेक्शन 391 का सब क्लोज फर्स्ट। अब जरा देखिए, इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकेगा या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निर्देश दे सकता है। देखिए यहाँ पे क्या करें कि जो कोर्ट है, सबसे पहले चीज़ तो अगर अपीली जो कोर्ट है उसको अगर लग रहा है कि कुछ अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है तो वो अपने कारणों को लिखबद्ध करेगा नोटशीट पर, फिर ऐसे साक्ष्य या तो वह स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भी उसके लिए नियुक्त कर सकता है।
अगर अपीली न्यायालय जिसमें अपील की गई है वो अगर हाई कोर्ट ही हो जिसमें अपील की गई, तब वह सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निर्देश दे सकता है कि ये साक्ष्य की आवश्यकता है, ये साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करवाए जाए, तो वो न्यायालय उनसे वो साक्ष्य मंगा के हाई कोर्ट को भेजेगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब क्लोज टू में सेक्शन 391 का सब क्लोज टू आप पढ़ रहे हैं, जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, कुछ अतिरिक्त साक्ष्य लिया गया सेशन न्यायालय के द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा, तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा क्या बात की गई, कि जो सेशन न्यायालय या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिया गया है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या करेगा, जिस न्यायालय ने भी वो साक्ष्य लिया है उन साक्ष्यों को वो क्या कर देगा, प्रमाणित करके अपीली न्यायालय को भेजेगा। तो ये पहले इनको अपने अकॉर्डिंग सर्टिफाइड करेंगे और इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट कोर्ट को भेजेंगे जो अपीली न्यायालय होगा। तो ये लाइन आप थोड़ा सा याद करके रख लीजिएगा, सेक्शन 391 का सब क्लोज ऑफ टू पढ़ रहे थे, ठीक। आप जरा देखिएगा थ्री में, जो थ्री है थ्री की तरफ एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है। जब कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए तो या तो अभियुक्त या उसके प्लीडर उस समय वो उपस्थित होगा और साक्ष्य उसके समक्ष लिया जाता है। अगले जरा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज फोर पर, इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 के उपबंधों के अधीन होगा, मानो वह कोई जांच हो। तो जो 23 में आपने पढ़े थे, तो कैसे लेंगे यहाँ पर, जैसे किसी जांच में वो एविडेंस के प्रूफ सबमिट किए गए हों। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 392 की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 392। देखिए, जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हों वहाँ प्रक्रिया क्या होगी, जहाँ अपील का जो कोर्ट है और अगर वो कैसे हैं एक समान रूप में विभाजित हों तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होगी। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब अपील उनकी रायों के सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी वह ठीक समझे अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होंगे। देखो जनरली अगर किसी हाई कोर्ट में ही अगर हम देखें तो किसी कोर्ट के समक्ष रखे गए और कैसे रखे गए, जहाँ पर मान लीजिए चार न्यायाधीश हों तो चारों के समक्ष रखा जाए कोर्ट में, या दो न्यायाधीशों के समक्ष हो डबल बेंच में रखा गया और दोनों अलग अलग हों एक मत नहीं हो पाए, तो क्या करेंगे एक तीसरा न्यायाधीश के समक्ष रख देंगे। और जनरली ये चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के वो अपने समक्ष ले लेते हैं, या कोई तीसरा न्यायाधीश भी हो सकता है। तो अगर चीफ जस्टिस जिसकी तरफ बहुमत दे देंगे वही जजमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आज जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीश में से कोई एक न्यायाधीश या जहाँ अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहाँ वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील न्यायाधीशों के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और निश्चित की जाएगी। तो अगर वो बोले कि दोबारा से सुनवाई करने लगे तो दोबारा से भी सुनवाई उसकी की जा सकती है और फिर से जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे और चाहे तो वो अपना वोट करके आगे उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 393 की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन 393 पर एक बार विचार कर लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। जो अपील हैं वो आदेश और निर्णय कब अंतिम होंगे, देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का निर्णय या आदेश धारा 377, धारा 378, धारा 384 की उपधारा 4 या अध्याय 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे, इनको छोड़कर के बाकी के ये अंतिम हो सकते हैं। कैसे, देखिए जरा यहाँ पर, परंतु किसी मामले में दो सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी अपील न्यायालय, अंतिम निपटारा हो गया उसके बाद भी जो अपील न्यायालय है वो क्या कर सकता है, जरा ध्यान दीजिए, देखिए इसके संबंधित पैरा नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, धारा 378 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को अथवा
धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से पैदा होने वाले अपील को सुन सकता है और गुनागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है। कौन कर सकता है? अपीली न्यायालय। आप जरा इसको, इस सेक्शन को एक बार दोबारा से समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन 393 में अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। जब अपील की गई तो उसमें कोई आदेश दिए होंगे, कोई जजमेंट दिए होंगे, तो क्या वो अंतिम हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तो अंतिम होंगे। कौन से नहीं होंगे? धारा 377, 378, 384 और इसकी 384 की और धारा 4 या अध्याय 30 के उपबंधित दशाओं के सिवाय, इनको छोड़ दीजिए, ये है नहीं, ये अंतिम नहीं होंगे, बाकी के अंतिम हो जाएंगे। आप देखो जरा क्या कह रहे हैं कि परंतु किसी मामले में दो सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी, कोई दो सिद्धि के विरुद्ध अपील की गई, उसका अंतिम निपटारा हो गया, अब अपील न्यायालय और क्या कर सकता है? तो ध्यान देना, देखिए जरा क्या कह रहे हैं, 378 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले में पैदा होने वाली अपील को, या धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले में से पैदा होने वाली अपील को सुन सकता है, गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है। अगर अपील न्यायालय ने दे दिया है और उसको लग रहा है तो वो उसको चेंज भी कर सकता है यहाँ पर, अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स में अगर उसको लग रहा है कुछ कमी रह गई तो यहाँ पर कर सकते हैं। जनरली ऐसी जो पिटीशंस होती हैं उनमें रिव्यू या फिर रिविज़न करके किया जा सकता है। जैसे अभी देखा कि अगर अपील में गया तो अगर अपीली जो कोर्ट है वो यहाँ पर आदेश दे कि इसको रिविज़न करिए आपके द्वारा खुद ही, तो वो न्यायालय जिसने पारित किया था वो यहाँ रिविज़न कर सकता है और रिविज़न करके आगे फिर नया जजमेंट पारित कर सकता है वो। चलिए आप जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 394 की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ये अंतिम सेक्शन है इस चैप्टर का 29 का। देखिए सेक्शन 394 में अपीलों का उपशमन, सपोज आप यहाँ पर फर्स्ट पढ़ रहे हैं सेक्शन 394 का फर्स्ट, धारा 377 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त भी अभियुक्त की मृत्यु या अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। देखो धारा 377 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील, अगर अभियुक्त की मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा, मैटर क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एलआर काम नहीं करेंगे, जैसे सिविल मैटर्स में एलआर आ जाते हैं कि भाई पनिशमेंट अगर बाबा ने किया है तो उनके बेटे को पनिशमेंट दे दिया जाए, अगर किसी पिता ने किया है तो उसके बेटे को उसका पनिशमेंट दे दिया जाए, वो ऐसा नहीं, सजा के रूप में नहीं दिया जा सकता, वो जैसे उसकी मृत्यु होगी तो उसके साथ ही वो चला जाएगा। अब जरा यहाँ देखिएगा सब क्लोज टू में, इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय, जहाँ जुर्माने के दंडादेश है उसकी अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। हाँ, जहाँ पर जुर्माना लगाया गया है उस केस में उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है या फिर उसके एलआर से लिया जा सकता है। अगर एलआर ने उसके कोई भी प्रॉपर्टी ली हुई है और इस पर कोई जुर्माना लगाया गया था तो उसकी संपत्ति में से उसको लिया जा सकता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु जहाँ अपील दो सिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध हैं और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने की इजाज़त के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और यदि इजाज़त दे दी जाती तो अपील का उपशमन ना होगा। अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है कि उनको दोष मुक्त कराया जा सकता है, मृत्यु के बाद भी उन पर गलत केस कई बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उनके जो लोग हैं वो कितने दिन में, यहाँ टाइम पीरियड जरा ध्यान रखिएगा, 30 दिन के अंदर उसे आवेदन देना होगा कि उनकी डेथ तो हो गई है लेकिन केस को आगे कंटिन्यू किया जाए क्योंकि मुझे लग रहा है उन्हें न्याय की उम्मीद है। तो इस स्पष्टीकरण में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस धारा में निकट नातेदार से कौन कौन है? माता पिता, पति पत्नी, पारस्परिक वंशज, भाई या बहन अभिप्रेत हैं, इनको उनके निकट रिश्तेदार माना जाता है। ठीक, ये चैप्टर था आपने जो 29 पढ़ा हुआ चैप्टर, और जो आपने सेक्शन पढ़े 372 से लेकर के 394 तक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। चलिए आप लोग इधर लाइन पर आ जाइए। हाँ जी, क्लियर है ये यहाँ पर? ठीक है, अगर देखिए
हाँ इवनिंग में जो क्लास चलेगी अभी नाइट में, जो हम लोग 10 बजे के आसपास क्लास कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, उस क्लास में हो सकता है क्वेश्चन आंसर को अगर सॉल्व करूँगा तो मैं आपको 15 या 20 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आज नहीं तो कल हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे उनको, तो कोशिश करेंगे कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो रात को 10 से 10:30 के बीच आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा जैसे ही क्लास की कंडीशन होती है या कोई सिचुएशन गड़बड़ हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।